माननीय सदस्यगण, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हो रहा संसद का ये संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आज़ादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है, तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ऐसी ही एकजुटता और पूज्य बापू की प्रेरणा ने हमें सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आजाद दिलाई थी। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि असम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी ने कहा था, ओम तत्सत भारत महात ऐक चेतोनाथ एक ध्यानोत ऐक साधोनाथ ऐक आवेगोत ऐक होइसा ऐक होइसा। अर्थात भारत की महानता परम सत्य है। एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में, एक ही साधना में, एक ही आवेग में एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज हम भारतीयों की यही एकजुटता, यही साधना देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर वर्ल्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से, इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई, प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में हुआ, संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए, मैं सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहिता, अर्थात हमारे एक हाथ में कर्तव्य होता है तो दूसरे हाथ में सफलता होती है। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। माननीय सदस्यगण, जब हम बीते एक वर्ष को याद करते हैं तो हमें स्मरण होता है कि कैसे एक ओर नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनौती थी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया था।